शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर थ्री। लास्ट क्लास पे याद होगा 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, अब से क्या है ना, क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत छोटे हैं, बट हमको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, स्टेप्स लिखना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी में हमको फेवरेबल आउटकम लिखना पड़ता है, सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन अब बड़े हैं, ठीक है, इनको पैराग्राफ लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप। पेयर ऑफ डाइस को रोल करना है, ठीक है, मतलब आउटकम सारे लिखने पड़ेंगे। तो सैंपल स्पेस अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा, 1, 1 सब लिखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। ये तो 1 वाले हो गए। फिर क्या होगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2 वाले हो गए। अब 3 वाले, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, फिर 3, 6। इसके बाद फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6 अभी बहुत सारे बाकी हैं। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, फिर 4, 5, 4, 6, फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3। तब तक अपनी अपनी कॉपी पे लिखो, इनको लिखना तो है ही, टाइम वेस्ट नहीं होगा कॉपी करते वक्त। 5, 5, 5, 6। अब बाकी है 6 वालों का, तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ये हो गया सारे सैंपल स्पेस। ओके, The experiment involves rolling a dice, rolling a pair of dice and recording the numbers that come up. Describe the following events. इन सारे events को describe करना है। A part. First part देखो. The sum is greater than 8. Sum जो है दोनों scores का वो more than 8 होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे event हैं जिसमें sum क्या हो, more than 8 हो, बनाते हैं। देखो पहला जो स्टार्ट होगा, मैं रेड से कलर करूंगा इनको, ठीक है। ए में सम ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, तो कहां तक नहीं होगा, 5, 3 से पहले का कुछ भी नहीं होगा, मतलब 5, 2 तक कुछ भी नहीं होगा। ग्रेटर देन 8 बोल रहा है तो 8 के इक्वल भी नहीं ले सकते, ठीक है। ग्रेटर देन 8, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ग्रेटर देन 8 मतलब 8 से बड़ा, तो 9 से स्टार्ट करना है। देखो 5, 4 ये पहला होगा, 4, 5 भी होगा, नो डाउट। 4, 6 ये दो तो हो गए, और इससे पहले कुछ नहीं होगा, 4, 4 से पहले कुछ भी नहीं होगा। 5, 3, 6, 3 ये भी तो होगा, 3, 6। एक बार शुरू से देखते हैं, 1 और 6 में मैक्सिमम सम 7 होगा, 2 और 6 में मैक्सिमम सम 8 होगा, तो 2 में कुछ नहीं मिलेगा, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3, 6, फिर 4, 4 8 है, 4, 5 4, 6। 5 में क्या क्या होगा, 5, 4 5, 5 और 6 में 5, 6 भी होगा, फिर 6 में क्या क्या होगा, 6, 3 6, 4 6, 5 एंड 6, 6। तो ए में जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, ए जो सेट हम बनाएंगे उसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 3, 6 फिर 4, 5 4, 6 5, 4 5, 6 6, 3 6, 4 6, 5 और 6, 6। यही सारे होंगे ए के अंदर। नेक्स्ट है बी। देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है टू ऑकर्स ऑन आइदर डाई मतलब दोनों में से किसी एक पे टू ऑकर होना चाहिए, किसी एक पे टू ऑकर होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे ये,
टू ऑकर ऑन आइदर डाई, मतलब डाई मतलब दोनों में से किसी एक पे भी टू आ जाए तो काम हो जाएगा। तो 1, 2, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 में तो सारे होंगे, 2, 5 एंड 2, 6, ये 1, 2 हो चुका है, 2 वाले सारे हो चुके हैं। अब 3 में क्या क्या होगा, तो 3, 2, फिर 4, 2, 5, 2 एंड 6, 2। एक बार देख लेना, कुछ बच जाए तो मुझे बता देना। यही होंगे सारे। सी सी में क्या कह रहा है, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। सम जो है वो कम से कम 7 तो होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। चलो ढूंढो कौन कौन से होंगे। 3 का मल्टीपल मतलब क्या क्या, एक तो 3, 6, 9, 12, मैक्सिमम सम 12 तक जा सकता है 6, 6 का। तो सम जो है वो कम से कम 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। चलो बताओ कौन कौन से होंगे। पहले ऐसे निकालो जो मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं, मल्टीपल ऑफ 3 यहां ऊपर लिखते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 वाले आउटकम कितने हैं, कौन कौन से हैं जिनका मल्टीपल 3 है। एक तो 1, 3, दूसरा 3, 1, 1 में और कुछ नहीं होगा, 1, 5 भी होगा, फिर 1 में 1, 2 भी होगा, और देखो 1, 3 नहीं होगा, 1, 4 नहीं होगा, 1, 5 होगा, वो लिख चुके हैं। 2 में क्या क्या होगा, 2, 1, फिर 2, 4, और 2 में और कोई होगा, 2, 6 नहीं होगा। 3 में क्या क्या होगा, 3, 1, अच्छा प्लस करके सम का प्लस करके, ठीक है, तो 3, 3, फिर 3, 6 और क्या क्या होगा बोलो। 4 में कौन कौन सा होगा, 4, 2, 4, 5 और बस। 5 में कौन कौन सा होगा, 5, 1, 5, 4, 6 में कौन कौन सा होगा, 6, 3 और 6, 6, यही सारे होंगे। सम जिसका 7 हो, सम जिसका मल्टीपल है 3 का। सर 1, 3 और 3, 1 नहीं होंगे ना फिर, नहीं होंगे। ओके, यस, ये नहीं होंगे जिनका सम मल्टीपल हो 3 का। अभी सिर्फ मल्टीपल देख रहे हैं, कुछ छूट गया हो तो बताओ, अगर नहीं छूटा है फिर इनमें से, इनमें से हमको वो लेना है जिनका सम एटलीस्ट क्या हो, 7 हो। तो 1, 5 कट गया, ये 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 3, 6 पहला मिला, 3, 6 और देखो ये हो चुका, 4, 2, 6 है सम हट गया, 4, 5 ये ठीक है, फिर ये हो चुका 5, 1 कट गया, 5, 4 ये ठीक है, 5, 4 ये ठीक है, 6, 3 ये ठीक है, सम 9 होगा इसका, और फिर 6, 6 ठीक है। तो ये होंगे सारे, एक बार देख लो, मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, कुछ बच गया हो, कुछ छूट गया हो, चेक करो एक बार सारे। कुछ भी बचा हो तो बता दो, देख के बताओ। चलो फिर अगर सब लिख दिया तो एबीसी हमारे इवेंट तो हो गए, यहां तक का काम हो गया। अब ये बोल रहा है विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, जैसे ए और बी दो इवेंट है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 5 होगा। तो अभी हम 3 है ना, ए बी सी,
तो दो दो को एक बार में चेक करना है, ए बी चेक करेंगे, फिर बी सी और फिर सी ए। चलो तो ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं क्या क्या है, फिर निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी और फिर निकालते हैं सी इंटरसेक्शन ए, क्या क्या मिल रहा है। ए और बी में क्या क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है देखो जरा, हेल्प मी, कुछ भी है कॉमन तो बताओ। सिक्स कॉमन सिक्स नहीं है, पक्का ना? यस सर। तो अगर कुछ भी नहीं है तो ये फाइव हो गया, मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। बी और सी इसमें चेक करो, बी और सी 5.4 नहीं है, 6.3 6.6 ये भी नहीं है, तो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। सी और ए में चेक करो, 3.6 पहला ही मिल गया, 3.6 ये मिल गया, और क्या मिला, 4.5 सी में कम एलिमेंट है वो देख लेते हैं उसमें है कि नहीं, 4.5 ए में है, है 5.4 ए में है, है 6.3 वो भी है, 6.6 वो भी है। तो ये देखो ये फाइव के इक्वल नहीं है, देख रहे हो ना, तो हम क्या बोलेंगे आंसर में, इस लास्ट पार्ट का आंसर कैसे लिखेंगे, एज ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव एंड बी इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो फाइव, सो ए एंड बी एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हो गया हमारा आंसर, कॉपी कर लो इसको, एक बार देख लेना कुछ बच तो नहीं गया है, कुछ छूट तो नहीं गया है, प्रोसेस यही है करने का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो सारे पार्ट्स में टाइम लगेगा ठीक है, क्योंकि ढूंढना पड़ रहा है कौन कौन से इवेंट कैसे कैसे हैं वो ढूंढना पड़ रहा है, और ये सारी डेफिनेशन को मतलब क्रॉस चेक करवा रही है, डेफिनेशन याद है कि नहीं याद है। फोर्थ में है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया है, आगे कह रहा है लेट कैपिटल ए डिनोट, अच्छा वो कैपिटल ए डिनोट बाद की बात है, पहले 3 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं क्योंकि उसी में से ढूंढना है, तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, अगर 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, बनाना बहुत ईजी है, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी फिर टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी, यही सारे आउटकम्स होंगे, 8 होंगे टोटल। अब कैपिटल ए डिनोट द इवेंट, 3 हेड्स, सो कैपिटल ए एक इवेंट है जहां पे 3 हेड्स आने चाहिए, तो एक ही होगा ऐसा, तो एक ही आउटकम होगा। कैपिटल बी दूसरा इवेंट है, कैपिटल बी क्या कहता है, बी डिनोट्स द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड्स एंड 1 टेल, तो 2 हेड्स एंड 1 टेल कौन सा होगा, ग्रीन से लिखते हैं, 2 हेड्स एंड 1 टेल, तो एक तो एच एच टी 2 हेड्स एंड 1 टेल ये भी होगा, एच टी एच, फिर टी एच एच ये भी होगा, फिर कौन सा होगा, बस है ना, 2 हेड्स एंड 1 टेल, ये 3 होंगे बस, तो इवेंट बी कंप्लीट। अब इवेंट सी किसी दूसरे कलर से, सी डिनोट्स 3 टेल्स, शो तो सी 3 टेल्स, एक लास्ट का ही होगा बस, टी टी टी, और क्या है, डी भी है, ओके तो डी क्या कहता है, अ हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन, डी में
फर्स्ट कॉइन पे हेड होना चाहिए, तो ट्रिपल एच हो गया, WWE देखते होगे तुम लोग, ट्रिपल एच बार बार आ रहा है, फिर ये है HHT, फिर HTH ये वाला है, यही इंटरसेक्शन है मतलब रेस्पेक्टिव सेट्स का, फिर HTT जिसपे भी दो कलर मिल गया ना वही इंटरसेक्शन में मिलता है HTT, फिर बाकी चार तो होंगे नहीं, तो यही सारे हो गए। ABCD एक बार देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। फर्स्ट पार्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सही से देखना, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगा, कुछ छूट तो नहीं गया। फर्स्ट पार्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन सा है इसमें, देखो ए का बी से चेक करते हैं पहले, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी का सी के साथ, फिर सी का डी के साथ, बहुत सारे बनेंगे 4C2, टोटल 6 बनेंगे, है ना, 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो 6 कॉम्बिनेशंस 4C2, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ, ये देखना है हमको, फिर बी का शुरू करें तो बी का किसके साथ, सी के साथ, और बी का डी के साथ, फिर सी का शुरू करें सी का डी के साथ, ये 6 होंगे टोटल, है ना, 4C2 होगा क्योंकि 4 में से दो दो एक साथ लेने हैं, 4C2 ये निकालना आता होगा, तो 6 है ये, 3 इधर 3 इधर, चलो ए इंटरसेक्शन बी चेक करें, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ए इंटरसेक्शन सी ये भी 5 है, ए इंटरसेक्शन डी ये 5 नहीं है, ट्रिपल एच मिल रहा है ना, फिर बी इंटरसेक्शन सी, TTT ये तो कहीं नहीं मिलेगा, तो ये 5 हो गया, बी इंटरसेक्शन डी इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, HHT बहुत सारे मिल रहे हैं तो सेट बना ले इसका, बी इंटरसेक्शन डी में क्या क्या मिलेगा, HHT इधर भी है इधर भी है, HHT हो गया, फिर HTH इधर भी है वो भी हो गया, THH ये नहीं है तो दो ही है, ये 5 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, ये भी नॉट इक्वल टू 5, सी इंटरसेक्शन डी TTT ये नहीं है, ओ सॉरी TTT, सी इंटरसेक्शन डी 5 है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या क्या होगा, अगर इसने बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पता करो कौन कौन से इवेंट्स हैं, तो ए एंड बी, फिर नेक्स्ट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फिर ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ आया फर्स्ट पार्ट, बोलो सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट में क्या होता है, सैंपल स्पेस में जितने भी सैंपल पॉइंट होते हैं, जैसे सैंपल पॉइंट क्या होता है, सैंपल स्पेस में जितने भी मतलब अलग अलग आउटकम्स होते हैं ना, वही सारे सैंपल पॉइंट होते हैं, तो सैंपल स्पेस में जितने नंबर ऑफ अलग अलग आउटकम्स उतने ही नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो अगर कोई इवेंट एक सैंपल पॉइंट को लेता है एक बार में, जैसे देखो ए उसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंपल इवेंट हो गया। बी सिंपल इवेंट नहीं है, बी कैसा इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, वो थर्ड पार्ट में करेंगे। और सी है सिंपल इवेंट, डी कैसा इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट यूज हो रहे हैं। तो सिंपल इवेंट में क्या क्या लिखेंगे, ए ट्रिपल एच एंड सी, सी में TTT, ये दो आर सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। थर्ड पार्ट,
कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में ऐसे इवेंट जिसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट हो। देखो जैसे बी है एच एच टी, फिर एच टी एच, टी एच एच, एक तो बी हो गया एंड डी। डी में क्या क्या है, ट्रिपल एच, एच एच टी, फिर एच टी एच एंड एच टी टी आर द कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर फोर कॉपी कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। थ्री कॉइंस आर टॉस्ड, तो वही सारे सैंपल स्पेस होंगे। थ्री कॉइंस आर टॉस्ड, सारा मिटाना पड़ेगा। इसमें फाइव पार्ट्स हैं टोटल। फिफ्थ पार्ट है थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थ्री कॉइंस को टॉस बार बार करना है ना। फिफ्थ सैंपल स्पेस सबसे पहले बना लेते हैं। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, ये हो गए सारे। फर्स्ट पार्ट, टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, ऐसे इवेंट डिस्क्राइब करने हैं, बनाने हैं, दो इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ओके चलो, ए हमने एक इवेंट बनाया, बताओ ऐसा कोई भी दो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो ए को बोल देते हैं ओनली टेल्स, मतलब टी टी टी, और एक बी दूसरा इवेंट बना लेते हैं ओनली हेड्स करके। ये तो ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, है ना। ए और बी हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी दो सिंपल इवेंट बना ले वो ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दो अलग अलग सिंपल इवेंट, मतलब सिंपल इवेंट बनाए, ठीक है। तो ए और बी जरूरी नहीं है हम डिफाइन करके ही लिखें। मान लो हमने पी एक सेट बना लिया एच एच टी, और दूसरा सेट क्यू बना लिया एच टी टी। तो ये दोनों क्या है, सिंपल इवेंट्स है, दोनों के दोनों सिंपल इवेंट्स हैं, तो ये दोनों ऑलवेज ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। पी और क्यू ऑलवेज क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। सिंपल इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ओके, तीन इवेंट्स ऐसे बनाओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। एग्जॉस्टिव का मतलब ए बी सी तीन इवेंट्स बनाओ, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, और तीनों का यूनियन क्या हो जाए, सैंपल सेट के इक्वल हो जाए। चलो बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ, मुझे सजेस्ट करो, तुम लोग बैठे हुए हो, कुछ कुछ बताओ कैसे कैसे करना चाहिए। देखो एक काम करते हैं, एक तो इसको अलग करते हैं, है ना। अगर हम बोल दें एक इवेंट बनाते हैं P, इसको बोलते हैं गेटिंग नो हेड्स, गेटिंग नो हेड्स, तो क्या होगा, ट्रिपल T, ये अलग हो गया। दूसरा इवेंट Q बनाते हैं, इसमें क्या बोलते हैं,
मतलब देखो इसमें जीरो हेड्स है, अब एक दूसरा इवेंट बनाते हैं इसमें एक हेड हो, गेटिंग वन हेड। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक हेड वाले, और मैक्सिमम तीन हेड्स हो सकते हैं, तो दूसरा इवेंट बना लेंगे गेटिंग टू हेड्स, सारे कवर हो जाएंगे, जीरो हेड वाले, वन हेड वाले और दो हेड्स वाले, तो सारे कवर हो जाएंगे, है ना, और कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा। इस तरह टेल्स को लेके भी कर सकते थे, गेटिंग वन हेड्स में कौन कौन से आएंगे, टी एच एच, यहां शुरू से शुरू करते हैं, एच एच टी, अच्छा वन हेड्स में, तो वन हेड्स में एच टी टी ये होगा पहला, फिर बताओ टी एच टी और कौन सा होगा, टी टी एच और फिर एक तीसरा इवेंट आर, उसको क्या बोलते हैं, गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग टू हेड्स। तो आर कैसे बनेगा, आर इज इक्वल टू, टू हेड्स वाले कौन कौन से होंगे, देखो ट्रिपल टी ये हो चुका है, एच टी टी ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया है एक हेड वाला ना, एक ये हो गया है और एक ये हो गया है, तो अब दो हेड्स वाले कौन कौन से बचे हैं, गेटिंग टू हेड्स पे नहीं हुआ, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स या एटमोस्ट टू हेड्स बोल देते हैं, नहीं एटमोस्ट पे नहीं होगा, एटमोस्ट पे तीन हेड्स वाला नहीं आ पाएगा, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स बोल देते हैं, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स, तो ये तीनों हेड वाला भी आ जाएगा उसके अंदर। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, ट्रिपल एच ये पहला हो गया, फिर एच एच टी हो गया, इधर ही लिख लेते हैं एच एच टी, फिर एच टी एच और टी एच एच, ये बात समझ में आ रही है सबको, क्या कर रहे हैं, सबको बस शामिल करना है, एग्जॉस्टिव बनाने के लिए क्या होगा, इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाना चाहिए, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या बोला, गेटिंग नो हेड्स, नो हेड्स में तीनों टेल्स आ गए, वन हेड में जो वन हेड वाले थे वो हो गए, अब टू हेड अगर बोल देंगे तो फिर ट्रिपल एच नहीं आ पाएगा, और हमें तीन ही इवेंट बनाने हैं, चार तो बनाने नहीं है, तो क्या बोल दिया, एटलीस्ट टू हेड्स, मतलब कम से कम दो वाले, और तीन वाले भी आ जाएंगे, वेलकम है। तो ये तरीका है, हमने क्या किया, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा और तीनों मिला के सैंपल स्पेस बन जाएगा, तो ऐसे माइंड लगाते हैं, ठीक। तो अब इसको एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे इसका, P, Q एंड R आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, कैसे, एज P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू Q इंटरसेक्शन R इक्वल टू R इंटरसेक्शन P इक्वल टू phi एंड P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू सैंपल स्पेस, ये तो कंडीशन है एग्जॉस्टिव की, जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, मिला के सैंपल स्पेस के इक्वल बन जाना चाहिए, तो ये हमारा हो गया एग्जॉस्टिव, ठीक, समझ आ रही है कि नहीं, ये सब बातें समझ में आ रही yes, है yes. हाँ थोड़ा सा माइंड लग रहा है इसमें, बट क्या करें, यही तरीका है, सोचना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से सब बिठाना पड़ता है। अब देखो, टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, ये बहुत सिंपल है बनाना, एक इवेंट सी बनाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब कुछ कॉमन बैठ जाए, तो क्या क्या बोले ये तो बताओ, सिंपल है सर, गेटिंग थ्री हेड्स एंड एटलीस्ट टू हेड्स, गेटिंग थ्री हेड्स एंड एटलीस्ट टू हेड्स, ओके, यस सर, गेटिंग टू हेड्स, कौन कौन से होंगे इसके अंदर टू हेड्स में, एच एच टी, एच टी एच, फिर टी एच एच और T
तीन ही होंगे इज इट ट्रिपल एच ट्रिपल एच नहीं टू हेड्स में ट्रिपल एच क्यों आएगा नहीं सर एटलीस्ट टू हेड्स में आ जाएगा ना अभी तो गेटिंग टू हेड्स लिखवा रहे हो ना नहीं सर एटलीस्ट टू हेड्स ओके गेटिंग एट लीस्ट टू हेड्स तो ट्रिपल एच भी आ जाएगा और कुछ तो आएगा सर गेटिंग थ्री हेड्स में ओके नहीं सर एक अब दूसरा गेटिंग इवेंट थ्री डी हेड्स में आ जाएगा दूसरा इवेंट गेटिंग थ्री हेड्स थ्री हेड्स में एक ही आएगा एच 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 अब यहां पे दिखाना पड़ेगा सी इंटरसेक्शन डी ये फाइव नहीं होना चाहिए ट्रिपल एच आ रहा है दोनों में विच इज नॉट इक्वल टू फाइव सो सी एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थर्ड पार्ट भी हो गया फोर्थ पार्ट हाँ फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव दो इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो बट एग्जॉस्टिव ना हो बताओ दो इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ओके बट एग्जॉस्टिव ना हो ठीक है एक इवेंट बना लिया ई इसको बोल दिया गेटिंग मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो बट एग्जॉस्टिव ना हो गेटिंग नो टेल्स कोई भी टेल्स नहीं आना चाहिए तो क्या होगा ट्रिपल एच और दूसरा क्या बना लेंगे गेटिंग नो हेड्स तो ये क्या हो जाएगा तीनों टेल्स आ जाएंगे इसके अंदर अब देखो दोनों क्या हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं ई इंटरसेक्शन एफ ये तो फाई है बट ई यूनियन एफ इज नॉट इक्वल टू द सैंपल स्पेस सो ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव समझ आया फोर्थ पार्ट अब बनाने हैं थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव तीन इवेंट्स बनाने हैं वो तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव ना हो बताओ क्या क्या करें एफ तक हो गया ना जी बनाते हैं क्या करना चाहिए बताओ गीतन केशा आइडिया दो सर हम एक इम्पॉसिबल इवेंट बना सकते हैं नहीं इसी के अंदर बनाना है सैंपल स्पेस के अंदर ही बनाना है क्या क्या होगा बताओ सोचो थ्री इवेंट्स बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो बट एग्जॉस्टिव ना हो कोई एक बच जाए या दो बच जाए यूनियन करके सैंपल स्पेस ना बने सर एक इवेंट हो जाएगा गेटिंग वन हेड एंड एक इवेंट ले लेंगे गेटिंग वन टेल ओके और तीसरा तीन बनाने ओनली हेड ओनली हेड्स लोगों देखते हैं क्या क्या गेटिंग वन हेड इधर रफ में सोचते हैं वन हेड में क्या क्या होगा मैं ब्लू से कवर करता हूं जो वन हेड्स वाले हैं एक तो ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया बस और क्या बोला गेटिंग वन टेल्स को ग्रीन से कवर करते हैं वन हेड सॉरी वन टेल कवर कर दिया हमने ना वन टेल कवर कर दिया अब वन हेड्स वाले अगर कवर करें तो क्या क्या होंगे
वन हेड्स वाले भी तीन होने चाहिए, एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं आपस में, क्योंकि ब्लू और ग्रीन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और तीसरा क्या बोला, क्या बोली कितन? सर ओनली हेड्स। ओनली हेड्स, ओके। ओनली हेड्स, ओनली हेड्स मतलब ये तीनों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, कर गया काम। तो जी एक इवेंट बनाते हैं, ऐसे दिमाग लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ही सोचते हैं, गेटिंग वन हेड। वन हेड में कौन कौन सा होगा? एच टी टी, फिर एच टी टी, फिर ग्रीन वाला कौन सा था, टी एच टी, और फिर टी टी एच। एक दूसरा इवेंट बनाते हैं एच, इसको बोलेंगे गेटिंग वन टेल, गेटिंग वन टेल। वन टेल वाला कौन सा था, ब्लू वाला, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, और जी एच के बाद आई, इसको क्या बोलेंगे, ओनली हेड्स। ओनली हेड्स में एच एच एच। तो अब यहां पे क्या है, देखो, एज जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू एच इंटरसेक्शन आई इक्वल टू आई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू फाई एंड जी यूनियन एच यूनियन आई इज नॉट इक्वल टू द सैंपल स्पेस, सो जी एच एंड आई आर mutually exclusive but not exhaustive, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी कर लो उसको भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, टू डाइस आर थ्रोन, फिर से बनाना पड़ेगा। चलो एक काम करो, ये ना मैं होमवर्क दूंगा, 6th, रेफर टू क्वेश्चन 6, 6th और 7 दोनों एक जैसे होंगे। देखो क्या है, टू डाइस आर थ्रोन, मैं समझा देता हूं, ठीक है, ये कर लोगे, बहुत सिंपल है। टू डाइस आर थ्रोन, तो क्या करना, सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेना, 1,1 से लेकर कहां तक, 6,6 तक। द इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोस, देखो ये क्या बोल रहा है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई मतलब 2,1, 2,2, सो ऑन टिल 2,6, फिर क्या करना, 4,1, 4,2, सो ऑन टिल 4,6 एंड देन 6,1, 6,2 एंड टिल 6,6, ए बन गया। बी बोल रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो जो अभी नहीं लिखे हो वो सारे 1,1 से लेकर 1,2 till 1,6, फिर 3,1, 3,2 till 3,6, फिर 5,1, 5,2 till 5,6, ये हो गया बी। सी क्या बोल रहा है, गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5, तो सी जो इवेंट बनेगा वो क्या बनेगा, दो नंबर्स का सम, मतलब डाइस पे जो स्कोर्स आ रहे हैं उनका सम क्या होगा, 5 या 5 से छोटा, तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, इसमें इतना ही होगा, 1,6 तो एक्सीड कर जाएगा सम से, 5 के इक्वल भी हो सकता है, ओके, तो 1,5 भी ले सकते हैं। अब 2 में देखना कौन कौन से होंगे, 2,1, 2,2, 2,3, बस। 3 में क्या क्या होगा, 3,1 एंड 3,2, बस। 4 में क्या होगा, 4,1, बस। और 5 में तो होगा ही नहीं, 5,1 भी 6 हो जाता है, बस। ये सी बन गया, ए बी सी तीनों हो गए। अब डिस्क्राइब द इवेंट्स, ए डैश, तो ए डैश क्या होगा, देखो ये तो तुमने ए बनाया है ना, और ये बी है और ये सी है, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए डैश को डिस्क्राइब करो,
ए डैश क्या होगा बताओ, क्या बी होगा ए डैश? ए डैश को बी बोल सकते हैं इस केस में? क्योंकि देखो देखो मैं बता रहा हूं क्यों बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये समझना, ए इंटरसेक्शन बी फाई है और ए यूनियन बी क्या है, सैंपल स्पेस है। तो ए का डैश मतलब ऐसी चीजें जो सैंपल स्पेस में तो हो बट ए में ना हो, तो वो क्या बचा? ए डैश मतलब इस केस में एस माइनस ए तो है, तो वही तो बी होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, तो बी पूरा पूरा लिख देना। सेकेंड पार्ट को मैं आंसर इधर लिखता हूं, जल्दी जल्दी हिंट में कॉपी कर लेना। ए डैश का मतलब बी ओनली, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहां ऊपर देख लो। सेकेंड पार्ट, नॉट बी, बी नहीं होना चाहिए, नॉट बी मतलब बी डैश ना, ये क्या हो जाएगा? ए, जैसा फर्स्ट पार्ट हुआ वैसे सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए और बी, ए और बी, ए और बी। अब देखो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो ए और बी क्या होगा? सीधा सैंपल स्पेस होगा। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और दोनों मिला के, मतलब अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों है, ओके, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव मतलब मिला के सैंपल स्पेस, तो ए और बी या तो ए में या तो बी में, कहने का मतलब सीधा सैंपल स्पेस। इसका रीजन क्या है देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, एज ए एंड बी आर, तो इतना फायदा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव वर्ड का, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ओके, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और उन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस भी है, तो ए और बी का मतलब सैंपल स्पेस सीधा। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए एंड बी, अगर ये सैंपल स्पेस, सॉरी अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये क्या होगा? फाई होगा। फिफ्थ पार्ट, ए बट नॉट सी, ये लास्ट टाइम हमने सारा किया है, सब करके रखा है ना, ये फिफ्थ सिक्स्थ ये सब हमने लास्ट टाइम पे किया था, बी एंड सी। एक एट्थ पार्ट देख लो, एट्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो क्या क्या होगा? पहले ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या होगा? कोई भी बताओ, सोच के बताना, ए इंटरसेक्शन बी डैश, सिर्फ इतना बताओ पहले, ये क्या होगा? ए, वेरी नाइस, परफेक्ट, वेरी गुड गीतन, ये ए होगा। बी डैश मतलब क्या हुआ? ए ना, बी डैश मतलब हमने लिखा भी है कहीं यहां पे, देखो सेकंड पार्ट देखो, बहुत बढ़िया गीतन, तो बी डैश तो ए ही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए, उसके आगे इंटरसेक्शन सी डैश, तो ए का इंटरसेक्शन सी डैश से ये बचा सिर्फ। अब ए इंटरसेक्शन सी डैश, देखो सी डैश में हमने क्या लिया था, सी डैश में इन दोनों को लिख लेना अच्छा रहेगा, ए और सी डैश, सी डैश में क्या क्या होगा ये बना ही लेना, सी डैश को यहां से बना लेना ठीक है, और उसको इंटरसेक्शन निकाल लेना, कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे कॉमन, ठीक, तो ये कर लेना एट्थ पार्ट, ऐसा टफ नहीं है, चाहो तो हिंट है बोर्ड पे, नोट कर लो यहां तक। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सेवेंथ भी देख ही लो, फिर एक साथ लिख लेना, सेवेंथ में भी यही सब चीजें हैं क्या? सेवेंथ का तीन पार्ट और भी पार्ट्स होंगे आगे, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है सिंपल है। एक काम करो, सिक्स्थ का हिंट नोट कर लो और सेवेंथ क्वेश्चन में दे देता हूं करने के लिए, ठीक है, मैं सेवेंथ क्वेश्चन करने को देता हूं। सिक्स्थ क्वेश्चन का हिंट बोर्ड पे अवेलेबल है, ये कॉपी करना है, और सेवेंथ क्वेश्चन सिक्स्थ पे बेस्ड है, ओके, ये सिक्स्थ और सेवेंथ तुम्हें करना है, सिक्स्थ का हिंट बोर्ड पे अवेलेबल है, इतना कॉपी कर लो। अगली क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी में कुछ और बातें करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।